जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम और आई हुई संगत का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप सब लोगों के सम्मुख गुरु जी की कृपा से गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग यानी कि सत्य का संग। जब हम गुरु जी की कृपा के बारे में बात करते हैं तो वो गुरु जी की महिमा होती है, और गुरु जी की महिमा सुनने वाले का, सुनाने वाले का, दोनों का कल्याण है। और आज गुरु जी ये कृपा हम सब पर बरसा रहे हैं कि सत्संग के माध्यम से मेरा कल्याण, आप सबका कल्याण होने वाला है। और मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या बोलना है और क्या करना है। आज जो गुरु जी बुलवाएंगे वो सत्संग होगा। आज गाना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सत्संग होगा। क्योंकि जब मैं गाना गाती हूँ तो उसमें आधा ध्यान मेरा गाने की तरफ होता है और सत्संग छूट जाते हैं कहीं। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने इतनी कृपा हम सब पर, मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे फ्रेंड्स पर, जो गुरु जी के पास आए भी नहीं हैं और गुरु जी ने उनको हमारे थ्रू जुड़वाया और गुरु जी ने उनको भी ब्लेस किया। तो ये नहीं है कि गुरु जी ने वो गुरु जी के पास नहीं आए या उन्होंने गुरु जी को नहीं देखा तो वो ब्लेस नहीं हो पाए। वो सभी उतने ही इक्वली ब्लेस्ड हुए। और कई संगत जिनको मैंने जोड़ा गुरु जी से, गुरु जी की कृपा से, और वो मुझसे भी ज़्यादा गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गए। और आज मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि वो कितना गुरु जी को मानते हैं, कितनी श्रद्धा है उनके अंदर गुरु जी के प्रति। तो ये सब गुरु जी की महिमा है और गुरु जी ही अपने से अपने भक्त को जोड़ते हैं। और उन्होंने चुना होता है कि किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है। कईयों को हम लेकर गए गुरु जी के दरबार, और जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी हम उनको बोलते रहे कि चलो चलो चलो, लेकिन उनके नसीब में नहीं था, नहीं जा पाए। और उसके बाद जब वो गए भी गुरु जी के दरबार में तो कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये सब अपने कर्माज हैं, अपनी अपनी जर्नी है, और गुरु जी का भी उसमें रोल है कि वो किसको जोड़ना चाहते हैं, किसको नहीं जोड़ना चाहते, या कब उनके ऊपर कृपा बरसानी है, कब उनमें वो उतनी पात्रता आई है कि वो गुरु जी से जुड़ पाए। ये सब गुरु जी पर है और हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं, उन्हीं से विनती करते हैं कि वो सब पर अपनी कृपा बरसाएं जो जो उनकी शरण में आ रहा है। और गुरु जी तो बोलते हैं कि जो भी उस मंदिर में आ जाता है और शिवलिंग के बाहर से भी उस औरा से निकल जाता है तो भी ब्लेस हो जाता है। मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ जब कैमरा मेरे सामने आता है, क्योंकि गाते समय तो हमारी आंखें बंद होती हैं, लेकिन इस समय जब अपने आप को देख के बोलना तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ ऐसे सत्संग। मैं शुरू करूंगी जब मैं गुरु जी से मिली उस सत्संग से, क्योंकि वो घड़ियां हम नहीं भूल पाते हैं कि हम गुरु जी से कैसे मिले। मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई तो मैंने एक पार्लर जाना शुरू किया, और नूतन आंटी के पार्लर में हम लोग जाते थे। नूतन आंटी हमेशा अपने गुरु जी का के बारे में, उनकी कृपा के बारे में सत्संग हमें सुनाते थे, लेकिन हम तब इतना गुरु के बारे में नहीं पता था, गुरु शब्द क्या है, गुरु की वैल्यू क्या होती है नहीं पता था। तो हम ये भी इसलिए भी अवॉइड करते थे कि हम किसी और गुरु को मानते हैं तो हम कैसे मतलब कहीं और जा सकते हैं। और दूसरा ये था कि हम साईं बाबा कृष्ण की पूजा करते थे तो हम कैसे उन सबको छोड़कर, अपने जो रिचुअल्स उनको छोड़कर फिर किसी एक संत के पास चले जाएं। और बैक स्टोरी ये भी थी कि बहुत सारे जो थे एस्ट्रोलॉजर्स बाबा, उन लोगों ने हमें किसी ना किसी तरीके से इतना लूट लिया था कि अब हमारे में वो हिम्मत नहीं थी कि हम किसी और की शरण में जाएं। तो आंटी वो 3 साल तक सत्संग सुनाते रहे। तो एक दिन ऐसे मेरे मन में आया कि क्यों ना हम गुरुजी की शरण में चलते हैं, उनके दर्शन कर लें गुरुजी के। वो इतना आंटी अपने गुरुजी के बारे में बताते हैं, लेकिन अंकल को कैसे मनाती। तो उन्होंने कहा कि, मैंने अंकल को बोला कि हम ना उनके गुरुजी के पास चले, आज जैसे मेरा बर्थडे है वैसे मनाने देना। इन्होंने बोला कि भी तू अपना प्रॉमिस तोड़ रही है तो आज चलूंगा, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसे करके हम लोग उस दिन हमने प्लान किया कि हम शाम को गुरुजी के पास चलेंगे।
तो उस दिन में मैं कभी सोती नहीं थी, और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, गुरु जी की कृपा से मुझे दिन में नींद आ गई और मैं सो गई। और मैं छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट पहुंच जाती हूँ ड्रीम में, और वहाँ गुरु जी एक सुंदर चोले में गोल्डन सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, और एक ओमकार और ओम लाइट में ब्लिंक कर रही है, और ऊपर एक गोल्डन ईगल घूम रहा है आसमान में। तो मेरे को लगता है कि जहाँ हम जाने वाले हैं ये वही जगह है जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। मेरी आँख खुलती है और मैं तैयार होके नूतन आंटी को लेके कार में अपने बैठते हैं। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई आंटी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये सब है क्या? तो आंटी बोलती है कि मैंने तेरे को गुरुजी के बारे में बताया है, लेकिन मंदिर के बारे में तो मैंने तुझे कुछ नहीं बताया, फिर तुझे कैसे मालूम चला? मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे मेरे को आज जो है सपना आया दिन में, और कभी भी मैं सोती नहीं हूँ, आज पता नहीं कैसे हो गया। तो आंटी कहने लगे तेरे को गुरु जी ने दर्शन दे दिए। लेकिन मैंने उसको एक कोइंसिडेंस की तरह लिया कि चलो ठीक है, ड्रीम आया और हमने देखा और ठीक है। जब हम गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी एक सेटी में बैठे हुए थे, और उस सेटी पर गुरु जी ने वो वैसा चोला नहीं पहना था, एक कैजुअल वियरिंग थी उनकी, और जॉगिंग शूज पहने हुए थे, और सेटी पे ऊपर पैर करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने ऐसा देखा और पूछने लगे कौन है? तो नूतन आंटी बोलने की मेरी फ्रेंड हैगी। तो गुरु जी कहते कच्ची पक्की? तो उन्होंने बोला पक्की। तो गुरु जी हंसे, फिर कहते की कर देने? तो हमने कहा गुरु जी हम गाना गाते हैं। केहो जा गांदे हो? हमने कहा गुरु जी कैसे बताएं, तो आप सुनोगे तो मालूम चलेगा। तो गुरु जी कहते चंगा बह जा, किस तरह रहने वाला है? तो इन्होंने बोला गुरु जी मैं जम्मू दा। तो मुझे कहने के तू तो अम्बाले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदार नहीं हैगी? तो मेरे ना एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि ये बात जो थी वो मेरे इन लॉज तक को नहीं मालूम थी कि मैं एक अडॉप्टेड बच्चा हूँ और मैं सिख बॉर्न हूँ, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और जो मेरी स्कूल टाइम फ्रेंड्स थी वो सब बिछड़ चुकी थी, किसी से मेरा कोई लिंक नहीं था। तो मैं सोचते सोचते बैठ गई कि शायद मैंने नूतन आंटी को अपनी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी है। फिर मेरे को लगा नहीं, मैं तो कभी उनसे कोई बात करती नहीं हूँ, मेरा तो काम शुरू रहता है और वही सत्संग करती रहती हैं गुरुजी के बारे में। तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं जिस दरबार में आई हूँ वो गुरुजी स्वयं एक भगवान है, साक्षात भगवान है, समझ नहीं थी। इतने में एक सेवादार आए, उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया और हम लोग बैठ गए और चाय प्रसाद पीने लगे। चाय प्रसाद पीते पीते मेरी एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी उसमें मुझे बहुत रिलीफ मिलने लगा। मैंने सोचा इसमें लौंग दालचीनी डली हुई है इसलिए ये फिर से मतलब जब मैं इसको पी रही हूँ तो मेरे को रिलीफ मिलेगा, और जब ये मैं नहीं पीऊंगी तो फिर दोबारा मुझे वही तकलीफ हो जाएगी। लेकिन उस दिन के बाद से लेके आज तक मुझे कभी भी वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। तो इस बात पे तो जय गुरुजी है, क्योंकि गुरुजी ने इतनी कृपा करी। और मुझे उस समय समझ नहीं थी कि चाय प्रसाद जो है वही मेरा जो है ये औषधि है। और बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, शब्द चल रहे थे, गुरुजी बार बार देख रहे थे, कभी म्यूजिक के साथ अपनी उंगलियां चलाते थे, कभी इधर देखते थे कभी उधर देखते थे, अच्छा लगा। वहां से हम जैसे लंगर आया तो लंगर करने पर बच्चों ने थोड़ा मेरे को तंग किया कि भी कहाँ आ गए, आपने तो कहा था कि बर्थडे है तो हम कहीं सेलिब्रेट करेंगे और ये तो लंगर है। और उसके बाद मुझे जो लंगर करने के टाइम पर सीट मिल गई, किसी तीन बच्चे और थे किसी के, और मेरी फैमिली अलग हो गई और चार की थाली आई, उसमें हमने लंगर शेयर किया। तो उसमें मिर्ची थी, अदरक के टुकड़े थे, और ये बहुत स्पाइसी लग रहा था मुझे। और बच्चे उस मिर्ची को देख के ना, जो कुछ किसी और के बच्चे थे उन्होंने मेरी तरफ देखा कि भी वो कैसे खाएं। तो मेरे को लगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं ये मिर्ची कैसे खाएंगे। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस मिर्ची को फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और साथ में खा लूंगी। तो जब मैंने एक बाइट उस मिर्ची की रोटी में लपेट के ली तो मेरे तो आंखों से, गाल से, नाक से एकदम धुआं निकलना शुरू हो गया, इतनी मिर्चें थी। तो पानी आना शुरू हो गया, हिचकी लग गई, और मेरे को लगा कोई पानी लेकर आएगा मेरे लिए, लेकिन गुरुजी मुस्कुराते रहे मुझे देखकर, और कोई पानी नहीं आया, वहाँ पे पानी सर्व नहीं हुआ। और मैं चुपचाप मैंने थोड़ा सा जो मीठा था वो खाया, मीठा प्रसाद। और उसके बाद हम लोग दोबारा लाइन में लगे हाथ धो के, हमें लगा कि चलो लंगर हो गया अब यहाँ से चलते हैं।
हम भागने लगे तो किसी ने बोला, नहीं आंटी अंकल आपको ना ये गुरुजी से आज्ञा लेके फिर जाना है। तो हम फिर दोबारा लाइन में लगे तो मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। तो मैंने गुरुजी को ऐसा देखा, फिर अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहते वीरवार नू आई तो सवा 5 ग्राम दस सोने दा ओम बना के ले आई। हमने एक दूसरे को देखा कि भी हम तो फिर से लुट गए हैं, क्योंकि सारे बाबा कुछ ना कुछ दान दक्षिणा में ऐसा कुछ मांगते थे तो कुछ होता था नहीं। तो अंकल ने सोचा कि भी ये तो उसने फिर मेरे को फंसा दिया। हमारी पूरे रास्ते झगड़ा होता रहा और हम घर आ गए। घर आके हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं जाएंगे दोबारा, लेकिन सुबह उठते ही नूतन आंटी का फोन आ गया। वो कहने लगी तू बहुत ब्लेस्ड है, जैसे गुरुजी ने इतनी बातें करी, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, 14 साल से आते हैं, कोई होशियारपुर से आता है, कोई कहीं से आता है, इतनी दूर से आते हैं और गुरुजी उनको ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं आगे और बात भी नहीं करते, बैठने के लिए भी नहीं कहते हैं, और जैसे पहली बार में गुरुजी ने इतनी सारी बातें करी हैं। मैंने कहा वो सब ठीक है नूतन, लेकिन मैं शायद नहीं जा पाऊंगी। तो उसने कहा नहीं आंटी आपको ये करना ही पड़ेगा। उस समय मेरे को आंटी अंकल का पता नहीं था कि आंटी अंकल बोलते हैं, तो उसने बोला सदा आपको ये करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि भी कोई वहम ना रह जाए, तो हमने लड़ते झगड़ते उस सोने का ओम बनाया और गुरुजी के पास वीरवार को पहुंचे। तो गुरुजी ने हमें लाइन में देखा और कहने लगे ले आई, हमने कहा हाँ जी। तो हमने सोचा कि भी गुरुजी को याद है कि इनसे ये ओम लेना है। जैसे ही अंकल ने वो ओम गुरुजी को दिया तो गुरुजी ने पूछा डेट ऑफ बर्थ की है, इनकी तरफ देख के बोला, तो इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया। तो गुरुजी कहने लगे मंडे नू काले धागे विच पाके एनू गले विच पा ले। तो हमें मतलब लगा कि गुरुजी ने तो ब्लेस करके दे दिया, शायद ये कुछ नजर वजर का होगा या कुछ होगा। तो मैंने एकदम से गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे वास्ते, तो गुरुजी कहंदे तोड़ा इको कनेक्शन हैगा। तो जोर से गुरुजी बोल गए और मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला। तो मैंने इधर उधर देखा तो साइड में जो संगत बैठी थी उन्होंने मुझे बताया कि भी आंटी एक जना आता है वो ब्लेस हो जाता है तो सारे परिवार ब्लेस हो जाता है। तो समझ नहीं थी, नए नए आए थे, तो ठीक है मैं बैठ गई। मैंने कहा ये तो आना नहीं चाह रहे थे और इनको ओम मिल गया। मैंने बुड़बुड़ करके गुरुजी को देखा और ऐसे मतलब बैठ गई। उसके बाद अच्छा लगा, हमने सोचा कि गुरुजी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा किसी किसी के एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो उसको क्लियर नहीं आएगी, और कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है वॉइस? मैं कंटिन्यू करूं? आ रही है, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट मीटिंग थी गुरुजी के साथ और गुरुजी ने इस तरीके से हमें स्टार्टिंग में ब्लेस किया। उसके बाद हम लोग जाते रहे गुरुजी के पास, अच्छा लगता था, शब्द चलते थे, लंगर मिलता था, बच्चे भी शांति से 3-4 घंटे बैठते थे। दूसरी तीसरी बार में गुरुजी कहंदे फिर टब्बर ले आई है। तो मेरे को लगा गुरुजी टब्बर, कहंदे हाँ टब्बर। तो जोशी अंकल खड़े थे, उन्होंने बोला आंटी आप बच्चे मत लेके आया करो, आप और अंकल आया करो, तो बच्चों को घर छोड़ के आया करो, उनको घर बैठे ब्लेसिंग होती है। तो मैंने सोचा कि भी मैं वैसे ही शोज में जाती हूँ तो मैं रात को लेट आती हूँ और मेरे बच्चे बहुत इग्नोर होते हैं। अब गुरुजी भी मतलब बच्चों को लाने के लिए मना कर रहे हैं, तो उस समय बच्चे थे 10th 12th में और छोटा वाला 5 साल का। तो मुझे ये लगा कि भी मैं बच्चों को बहुत ही इग्नोर करूंगी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ हमें अच्छा लगता है, थोड़ी देर हम बच्चों को छोड़ के देखते हैं। तो मैं आने लगी गुरुजी के पास, बहुत अच्छा लगने लगा। और पता नहीं था कि जिसकी हम सोच रहे थे कि बच्चों को कौन देखेगा, देखने वाले और पालनहारी तो हमारे सामने ही बैठे थे जिनको पल पल की खबर थी। और ये सब गुरुजी ने हमें प्रूव भी करके दिखाया कि वो हर चीज जानते हैं। वो मैं आगे आपको सत्संग सुनाऊंगी। फिर एक दिन गुरुजी कहने लगे चलो आज थोड़ा गाना सुन दे हैं। तो हमने कहा गुरुजी हम बाजा तो लेके नहीं आए हैं। तो गुरुजी कहने लगे बाजा किथे है? अंकल बोले घर। घर किथे है? गुड़गांव। तो गुड़गांव केड़ा पाकिस्तान है, जा चक्के ले बाजा, आंटी नु इथे छड़ जा। और गुरुजी ने मेरे को सिंहासन के राइट साइड बिठा लिया और अंकल चले गए। थोड़ा अंकल
उनको लगा था कि जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह पर यही होता है कि भी हमारे लिए गाओ, भजन गाओ, हम तुम्हारा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम सबके लिए गाते रहे इतने सालों तक और कुछ हुआ नहीं, और मतलब बेवकूफ से बन गए हम लोग, ठगे से गए। तो अंकल को लगा था कि शायद अब यहाँ पर भी वही सब होने वाला है। तो अंकल मेरे को देखते हुए चले गए और 15 मिनट में आरडी सिटी घर था हमारा, उस समय रेंट पे थे हम लोग, वहाँ के सेकंड फ्लोर पर चढ़कर बाजा लेकर और डायरीज लेकर सब आ गए 15 मिनट में। और मैं वहाँ बैठ के ये सोच रही थी कि मैं गुरुजी को क्या सुनाऊंगी, गुरुजी क्या सुनेंगे मेरे से, मेरे को तो भजन आते नहीं हैं, एक दो भजन आते हैं, तो मैं गुरुजी को क्या सुनाऊंगी, और अंकल नहीं आए तो क्या करेंगे, अंकल तो बड़े गुस्से में गए हैं, और डायरीज लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे को तो गाने इतने अच्छे से याद नहीं है जो अगर गुरुजी ने कोई फरमाइश कर दी तो। इसी देर में देखा कि 15 मिनट में अंकल आ गए हैं। ये भी एक सत्संग ही है, क्योंकि उस समय मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो 1.5 घंटा हमें एम्पायर स्टेट पहुंचने में लगता था एक साइड से, और वापस आने में भी उतना ही टाइम लगता था। तो अंकल 15 मिनट में कैसे पहुंचे ये समझ नहीं आई आज तक। तो गुरुजी ने इशारा करके पूछा, ले आए? हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहते हैं कि अभी रुक जाओ, जब मैं कहूंगा तब निकालना बाजा। हम चुपचाप बैठ गए। उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया कि अब बाजा लेकर आओ। तो हमने नोटिस किया कि काफी संगत चली गई थी, कुछ संगत रह गई थी, तब गुरुजी ने हमें बोला कि बाजा लेकर आओ। तो अंकल बाजा लेकर आए, अंकल ने गजल सुनाई गुरुजी को। तो मैंने सर ढक के शब्द सुनाया गुरुजी को, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। मेरे को लगा यहाँ शब्द चलते हैं तो मैं शब्द सुनाऊंगी, गुरुजी खुश होंगे। तो मैंने कहा गुरुजी मैं भजन सुनाऊं नेक्स्ट जब बारी आई तो। तो गुरुजी कहते हैं मैं शब्द भजन सुन सुन के बोर हो गया, तू मैनू कोई लता दा गाना सुना चंगा जया, ओल्ड जया। तो अब मैं थोड़ी नर्वस हो गई कि मैं गुरुजी को क्या सुनाऊं इस दरबार में, लता जी का ऐसा कौन सा गाना सुनाऊं, कोई ऐसा तो सुना नहीं सकती। तो मैंने इंडेक्स देखा तो उसमें तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा मेरे को दिखाई दिया, और मैंने वो गुरुजी को सुनाया। तो गुरुजी को बहुत पसंद आया। गुरुजी ने मतलब एक वो निगाहे कर्म होता है ना, जिसमें समझ आता है कि गुरुजी खुश हो रहे हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी को पसंद आया वो। तो उसके बाद हमारी ये जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही कि गुरुजी हमें बुलाते रहे, और हम सोचे थे हम उन्हें गाना सुना रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ थे, वो तो हम पर कृपा कर रहे थे, वो हमारा कल्याण कर रहे थे, उन्हें कोई कमी नहीं थी कि वो किसी को भी बोलते वो हाजिरी देने के लिए आ जाता, लेकिन वो हमारी ना सुनती थी कि हम उन्हें सुना रहे हैं। लेकिन वो गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने हम पर मेहर करी और हमें इस काबिल बनाया कि हम उनके चरणों में बैठ के हाजिरी लगा सकें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंकल को इतनी नहीं आ रही थी कि मतलब वो अभी थोड़ा उलझन में थे कि ये कैसे गुरु हैं कैसे नहीं हैं, लेकिन मैं गुरुजी के साथ थोड़ा सा मतलब जुड़ने लगी थी, मेरे को विश्वास सा हो रहा था। तो अभी हम लोग एक दिन लाइन में लगे हुए थे तो एक अंकल मुझे बोलने लगे कि मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। मैंने सोचा शायद ये कोई प्रवचन वगैरह करेंगे या कोई कथा सुनाएंगे। फिर मैंने सोचा लाइन में खड़े खड़े क्या कथा सुनाएंगे, कहने लगे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं एम्स में डॉक्टर हूँ और मैं थायराइड का डॉक्टर हूँ और मुझे अस्थमा है लेकिन मैं दवाई नहीं खाता हूँ और मैं गुरुजी का लंगर खाता हूँ और ठीक हो जाता हूँ। तो हमें ना थोड़ी सी मनी मन हंसी आई, हमने एक दूसरे को देखा, हस्बैंड वाइफ की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैंने इनको देखा, इन्होंने मेरे को देखा और हमने घर जाके ना मतलब थोड़ा वो किया कि भी ये क्या हुआ, ये मतलब हमें बुद्धू बना रहे हैं कि भी बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकते हैं, हमें समझ नहीं थी। और नूतन ने जो हमें सत्संग सुनाए थे आंटी ने, तो वो भी हमने अनसुने कर दिए थे, कभी उस पर इतना गौर नहीं किया था। तो समझ नहीं थी और उन सब चीज़ों के लिए हम गुरुजी से माफ़ी भी मांगते हैं कि भी हमें क्षमा करें, तब समझ नहीं होती जब भी कोई नया आता है। उसके बाद गुरुजी ने जैसे होता है ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी हमारे साथ कि हमें मेरे को तो सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि गुरुजी कुछ ना कुछ मतलब ऐसा शक्ति है कि जो, लेकिन अंकल समझ नहीं पा रहे थे। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने बोला कि
मतलब जो जो मेरे को याद आता जाएगा मैं वो सुनाती जाऊंगी। एक बार गुरुजी ने बोला कि वीरवार को आओ, तो मैंने आंटी को मना कर दिया कि मैं गुरुजी को कैसे बोलूं कि मैं तो वीरवार को साईं मंदिर में गाती हूँ और वहाँ पर भी संगत वेट करती है, तो अच्छा नहीं लगता कि हम एक जगह जा रहे हैं तो दूसरी जगह को अवॉइड कर दें, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। तो आंटी कहने की जैसे तेरी मर्जी, तो मैं बच्चों के साथ वीरवार को वहाँ गई साईं मंदिर। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो मंदिर वाली आंटी थोड़ा गुस्से से बोले और कहने लगे आज से यहाँ पे गाना वाना नहीं होगा, भजन नहीं होंगे, यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, किसी का गुस्सा उन्होंने मुझ पर निकाल दिया और मना कर दिया बाजा खोलने से भी। तो बड़ा इंसल्टिंग सा लगा, बच्चों का बड़ा दिल टूटा क्योंकि वहाँ पालकी निकलती थी बाबा की, मैं बाबा के साथ बहुत अटैच थी और एक बॉन्डिंग सी थी मेरी बाबा के साथ, तो बहुत दिल टूटा। तो मैंने कहा इनको कि भी आप ऐसा कर सकते हो, गुरुजी के मंदिर चलते हैं, उन्होंने कहा भी था वीरवार को आने के लिए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो बाजा हमारी कार में पड़ा रहा, हम गुरुजी के मंदिर चले गए और वहां जाके मेरे को जगह मिली गुरुजी के रूम के पास सबसे पीछे, जहाँ डीजे अंकल अपनी सीडीज वगैरह मतलब म्यूजिक प्ले करते थे। और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि उनकी कबर्ड के साथ कोई टच भी ना हो जाए, और मतलब ऐसे। और अंकल को कहीं जगह मिली, बच्चे कहीं बैठ गए, और मैं इतना रोई उस दिन, इतना रोई कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि भी हम बचपन से दुर्गा माता की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, शिव जी की करते हैं, साईं बाबा से भी प्रेम हुआ, अब मतलब हम गुरु जी के पास आ गए, जब गुरु जी भी मना कर देंगे तो हम क्या करेंगे, और क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहेंगे कि भी कभी ये भगवान कभी वो भगवान। और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं और मैं रो रही हूँ। फिर एकदम से एक भजन चलता था, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, वो चला तो मुझे एकदम उसमें बांसुरी का एक पीस बजता है, उससे मेरे को थोड़ा सा मतलब सुकून सा मिलता है। और मैं सोचती हूँ गुरु जी क्या सोचेंगे कि मतलब मेरे दरबार में बैठ के मतलब ऐसे रो रही है और बहुत ऑड फील हो रहा होगा। जब मैंने ऐसे देखा सब अपनी धुन में मस्त थे, सब अपनी मेडिटेशन में थे, कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा था, सिर्फ डीजे अंकल मेरे को गुस्से से देख रहे थे, शायद वो डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि मेरे रोने से। तो मैंने गुरुजी के सिंहासन की तरफ देखा चुपके से, तो मेरे को वहां पर कृष्ण भगवान दिखाई दिए, काली मूर्ति, गोल्डन फ्लूट, गोल्डन आईज, इतने सुंदर भगवान, और ऐसा लग रहा था कि फ्लूट वहीं से बज रहा है जो शब्द में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि शायद मतलब मेरा अभी जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, और मैं बाबा के लिए साथ बहुत सेंटीमेंट्स थे मेरे, तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी और शायद क्या कोई थॉट प्रोसेस मेरा ऐसा हो गया है, मुझे समझ नहीं थी कि गुरुजी भगवान है। तो कई बार गुरुजी दिखाई दिए, कई बार कृष्ण भगवान, कई बार गुरुजी, फिर कृष्ण भगवान। तो मैंने सोचा यार ये कृष्ण भगवान दिख रहे हैं मुझे, कहीं बाबा दिखते तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो बाबा के लिए रो रही हूँ। और वही हुआ कि मुझे वहाँ गुरुजी बाबा में कन्वर्ट हुए, और वही गोल्डन मुकुट, पत्थर की मार्बल की मूर्ति, और बाबा वहाँ पर मुझको दिखाई दिए। तब भी समझ नहीं आई, और मैंने लंगर किया, उसके बाद हाथ धो के जब गुरु जी से आज्ञा मांगने आई तो गुरु जी कहने फिर हो गए दर्शन। तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरु जी उन्हीं दर्शन की बात कर रहे हैं, या पता नहीं गुरु जी ने एक पर्दा डाला हुआ था कि हमारी बुद्धि जो है ना वो काम ही ना करे। तो मेरी बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं किया, मैंने मत्था टेका और मैं चली गई। लेकिन जब सेंस आई, समझ आई, तो तब मालूम चला कि गुरु जी ने किस दर्शन की बात करी। वो जो दिखा रहे थे लाइव, वो सब गुरु जी मेरे को दिखा रहे थे दर्शन कि मैं ही हूँ सब जगह, कृष्ण भी मैं ही हूँ, साईं भी मैं हूँ। और फिर वही भजन गुरु जी ने मेरे से लिखवाया भी कि तुम्ही मोरे काना, तुम्ही मोरे शिव जी, तुम्ही मोरे साईनाथ, जो अंकल ने गाया है, हे गुरु जी मोरी नैया तुमरे हाथ। तो इस तरीके से गुरु जी ने लीला करनी शुरू करी। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार मैं बच्चों के लिए लंगर बना के घर में मूंग की दाल बनाकर घर पर आ गई, और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी पहुंचो गुरुजी के पास, लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबने ये समझाया हुआ था कि गुरुजी के सिंहासन पर बैठने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए। गुरुजी के जैसे टीचर क्लास में आए उससे पहले स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए, ऐसे हमें पहुंचना चाहिए।
तो मैं जल्दी से काम खत्म करके अपना गुरु जी के पास पहुंची। वहां लंगर में देखा तो बहुत सारी चीजें थी उस दिन, तो मेरा ध्यान जो था वो बच्चों की तरफ चला गया। मेरे को लगा कि मैं बच्चों के लिए तो ऐसे खाना बनाकर आ गई हूँ और यहाँ मैं इतना अच्छा लंगर खा रही हूँ। तो ये बात मैंने किसी को बताई नहीं थी, ना शेयर की थी कि मतलब मैं क्या सोच रही हूँ। तो जब मैं गुरुजी के दरबार से वापस जा रही थी तो उस समय रात के 2:30 बज रहे थे जब गुरुजी ने छोड़ा, और हर चीज मेरे निगाहों के सामने थी कि वहां क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेक के ऐसे मुड़ी हूँ और किसी ने बोला कि गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं, मैंने पीछे देखा तो गुरुजी मेरे को ऐसे कर रहे थे। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया हवा में और एक मिठाई का डिब्बा आ गया। तो उसमें मैंने सोचा कि भी यहाँ तो कुछ नहीं था। अब मुझे ये सोचने का अवसर भी नहीं दिया कि मुझे मालूम भी नहीं चला कि गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद इस तरीके से प्रोड्यूस करके दिया है मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए। लेकिन समझ नहीं थी, मैंने जल्दी से वो मिठाई का डिब्बा उठाया और जाके कार में बैठ गई। कार में बैठते बैठते मेरे को ये समझ आई कि मतलब ये जो डिब्बा है इसमें जो है ये हैवीनेस होती जा रही है। इसमें 1 kg से 2 kg, 2 kg से 3 kg, 3 kg से 4 kg, ऐसे करते करते मतलब महसूस होने लगा मुझे। तो मैंने अंकल को बोला कि भी इस मिठाई के डिब्बे में क्या हो सकता है कि जो ये इतना हैवी हो रहा है, ये गुरुजी के हम सत्संग सुनते हैं तो भी कहीं इसमें कुछ वो लीला हो रही है। तो अंकल कहते हैं कि शायद गुरुजी को मालूम चल गया है कि हमें नोटों की जरूरत है तो उसमें नोट आ रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि भी तुम्हें तो हमेशा ऐसे ही सपने आते रहते हैं, और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। और ऐसे करते करते हम घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो जैसे ही बच्चों ने दरवाजा खोला तो उसमें बच्चों ने बोला, मम्मा आपके अंदर से गुरुजी की खुशबू आ रही है। तो जब हम गुरुजी को छूते थे तो गुरुजी के हाथों से इतनी खुशबू आती थी, इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कि वो 3-3, 4-4 दिन तक हमें आती रहती थी। कितना भी हम हाथ धो लें, कितना भी कुछ कर लें, वो फ्रेग्रेंस हमें आती रहती थी। तो तब समझ नहीं थी, हम सोचते थे गुरुजी कोई बहुत महंगा वाला परफ्यूम लगाते हैं। तो वो एक डिवाइन फ्रेग्रेंस थी, वो आज भी आती है। हम कभी किसी मुसीबत में होते हैं या कोई सुनसान जंगल में भी होते हैं, कहीं हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ फिनाइल्स की फ्रेग्रेंस होती है, तो वहां पर भी मतलब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। तो फ्रेग्रेंस आने लगी तो मैंने जल्दी से उस डिब्बे को खोला डाइनिंग टेबल पर रखकर, और देखा तो उसमें बेसन के लड्डू थे। और वो बेसन के लड्डू वैसे उससे पहले उसके बाद तक मैंने आज तक नहीं खाए हैं। वो 1-1.5 महीने तक फ्रेश रहे और हमने और बच्चों ने खूब खाए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि उसको स्टोर करके रखना है क्या है, क्योंकि शायद उसकी आज्ञा नहीं होगी। तो गुरुजी ने इस तरीके से कृपा बरसाई और वो लड्डू सचखंड का प्रसाद हमें दिया और गुरुजी ने इस तरीके से ब्लेस किया। मैं ये जो कमेंट्स आ रहे हैं इनको मैं हटाना चाहती हूँ कि मेरे को ना दिखें, उससे डिस्ट्रक्शन हो रही है। इसको हटा दें या फिर हटा दें? तो गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, इतनी आत्मीयता दी। जब भी मैं कभी उदास होती थी या घर में कभी होता ही है परिवार है तो जाती थी, तो गुरुजी ऐसे पूछते थे क्यों मुंह क्यों लमका पे है, की गल हो गई? तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी कुछ नहीं, तो गुरुजी कहते कुछ तो है। तो फिर पास बुलाते थे, पूछते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जैसे क्योंकि मेरी मदर नहीं थे, मैं अडॉप्टेड बच्चा थी, तो मुझसे कभी किसी ने इतने प्यार से नहीं पूछा था कि कोई प्रॉब्लम है क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मेरे को माँ मिल गई है, और बहुत ही मतलब गुरुजी ने स्नेह दिया। कभी कभी वो चीजें हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं और गुरुजी हमेशा साथ रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। लेकिन जो एक वो फिजिकल अपीयरेंस था गुरुजी का, जिसमें गुरुजी हमेशा हमें पूछते रहते थे, आज भी दिखते हैं, सपने में आते हैं, ड्रीम्स में आते हैं, लेकिन जो वो पूछते थे सामने बैठ के, वो जो थी लीला वो भूल नहीं सकते हम लोग। फिर गुरुजी ने ऐसे ही हमेशा सुनते रहते थे गुरुजी कुछ ना कुछ कभी अंकल से
एक गजल की फरमाइश करते थे, वो मतलब हमेशा ही करते थे उस गजल की फरमाइश। तो मैं सोचती थी कि भाई गुरुजी हमेशा इस गजल की फरमाइश क्यों करते हैं। तो वो गजल थी, दसनी शराब दिए बोतले कमीनिए, मैं तेनू पीना वा कि तू मैनू पीनी वे। तो एक दिन क्या हुआ कि अंकल गजल गा रहे थे वो वाली, तो गुरुजी कहने लगे एदे नाल तुहाडा भी ट्रीटमेंट हो रहा है। तब मुझे समझ में आई कि वो गजल सुनने के हिसाब से अंकल का तो ट्रीटमेंट कर ही रहे हैं गुरुजी। पांच छह लोग और थे जो कि जिनको एडिक्शन थी अल्कोहल की, उनका भी गुरुजी उस समय ट्रीटमेंट कर रहे थे वो गजल सुनकर। तब मुझे समझ आई कि बार बार गुरुजी क्यों ये गजल सुन रहे हैं, क्योंकि जब गुरु कोई काम करते हैं वो, जैसे कई बार कोई गाना डबल लगाते थे गुरुजी, उससे कई संगत को दोबारा नचवाते थे, तो गुरुजी की लीला वो ही समझ सकते हैं कि वो किस समय किसका क्या कल्याण कर रहे हैं। तो हमें इतना दिमाग भी नहीं लगाना था, लेकिन फिर भी कई बार सोच आ जाती है कि गुरुजी बार बार एक ही गजल की क्यों फरमाइश कर रहे हैं। तो मालूम चला कि भी ये इसलिए कर रहे हैं कि भी वो ट्रीटमेंट गुरुजी कर रहे थे सबका। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही चलता रहा और गुरुजी कृपा बरसाते रहे। कई बार बोलते थे गुरुजी की बाजा कर लो, नोट नहीं छापने, बाजा कर लो, कैसा नहीं हिट करानी है। तो उस समय कैसेट का जमाना तो था नहीं, तो सीरीज आ गई थी। लेकिन आप देखिए कि जो जो गुरुजी ने बोला वो सब आज सिद्ध हो रहा है, जो गुरुजी ने बोला। फिर एक दिन बैठे हुए थे हम लोग गुरुजी के पास, दीवार से एकदम टेक लगा के बैठे थे हम लोग, गुरुजी सिंहासन पर थे। गुरुजी वहीं से बोले, क्यों मूलम का के बैठे हो दोनों? तो हम ना घुटने घुटने चल के गुरुजी के पास पहुंच गए। तो अंकल कहने लगे कि गुरुजी मेरे को 25 साल हो गए और मेरा नाम नहीं हुआ। तो गुरुजी कहने, मेरे को तो हो नहीं आया ना, हाल रुक जा 1.5-2 साल। अंकल ने मेरी तरफ देखा, कहते अभी 1.5-2 साल मतलब अभी और रुकना पड़ेगा। तो चुप हो गए। उसके बाद जब बाजा निकाला, गाए, संगत ने ताली बजाई, तो गुरुजी खुश हुए। गुरुजी कहने लगे, जा संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया। अंकल मुझे कार में बैठ के बोलते हैं, 20-25 तो लोग बैठे हैं और इनके सुनने से क्या नाम हो जाएगा। आज आप देखिए कि संगत कितनी बढ़ गई है, और जो गुरुजी ने भजन गवाए हैं, मंत्र जाप गवाया है, वो पूरे विश्व में प्ले हो रहा है और सारी संगत की ब्लेसिंग मिल रही है, उनका प्यार मिल रहा है। और सभी जानते हैं कि सदा आंटी मासूम अंकल गुरुजी के प्लेस सिंगर हैं। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना प्यार दिया, और आप सब लोगों का भी प्यार मिल रहा है, और इतना सब कुछ गुरुजी ने ब्लेस किया। एक बार क्या था कि मैं गा रही थी, तो इन्होंने मेरे को बोला कल बच्चों का एग्जाम है। तो इन्होंने बोला, गुरुजी हम जल्दी चले जाएं, बच्चों के एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो गुरुजी कहने, गांधी रहे तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। घर जाके जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि टीवी गर्म है और रात के 2 बज रहे हैं। मैंने सोचा गुरुजी तो कल SST का पेपर है और 2 बजे रात के बच्चे अगर टीवी देख रहे थे तो कल क्या पेपर देंगे। और जब मार्क लिस्ट आई, रिजल्ट आया, तो उसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स थे SST में। तो ये गुरु जी की लीला है और गुरु जी की कृपा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और बच्चे पास भी हो गए, अब सेटल भी हो रहे हैं, और छोटे वाला बच्चा भी अब कॉलेज में आ गया है। तो गुरु जी की कृपा से जो गुरु जी ने बोला वो सब कुछ सिद्ध होता चला गया। और फिर गुरु जी ने हमें बुलाया शिवरात्रि पर। गुरु जी ने बोला कि बड़े मंदिर आना और वहां पर आपको मतलब बाजा लेकर आना है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब बाजा निकालना है। हमने कहा ठीक है। तो शिवरात्रि पर हम पहुंचे गुरुजी के मंदिर। तो वहां पर पहली बार हमने गुरुजी का मंदिर देखा, बहुत ही अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फरवरी का महीना था, 12 फरवरी थी शायद उस साल। और हमने बाजा पार्किंग में छोड़ दिया था कार के अंदर और अंदर चले गए। काफी देर हो गई, गुरुजी ने हमें गाने के लिए कहा ही नहीं। तो अंकल ना बहुत थका हुआ फील कर रहे थे कि अब 1 बज रहा है, रात का 12-1 बज रहे हैं, और अब मैं क्या गाऊंगा, गुरुजी तो बुला ही नहीं रहे हैं। तो इतने में गुरुजी ने कहा कि भी बाजा लेकर आओ। फिर बाजा लेकर आए और अंकल कुछ सोच रहे थे कि भी पता नहीं गुरुजी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्योंकि
जब अंकल गाने लगे तो मुरली मनोज जोशी जी वो गुरुजी की चरण सेवा कर रहे थे, तो अंकल ने सोचा कि पता नहीं गुरुजी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, मैं घर में होता तो मैं शिवरात्रि किसी और तरीके से मनाता। तो गुरुजी ने एकदम से इनकी तरफ देखा और कहने लगे कल जाके दो बियर ला ली, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। तो मैंने सोचा गुरुजी कैसे गुरुजी हैं, ये मंदिर में बैठकर और बियर की बात कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि जो अंकल की मन में चल रहा है वो गुरुजी आंसर कर रहे हैं। तो जब हम कार में बैठे तो अंकल कहने लगे यार गुरुजी तो माइंड रीड कर लेते हैं, मैं ही सोचता था और गुरुजी ने ऐसा ऐसा जवाब दे दिया। तो मैंने कहा तुम मंदिर में बैठ के ये सब सोचते हो और गुरुजी भी ऐसे गुरुजी हैं कि मंदिर में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो अंकल का ट्रीटमेंट है किसी चीज का जो गुरुजी ने उस दिन उनको बोला और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया उस चीज के लिए। और वो चीज हमें बाद में समझ में आती है जब गुरुजी की लीला हो जाती है। वो कई सत्संग ऐसे होते हैं जो तब समझ में नहीं आते हैं लेकिन बाद में आते हैं, और ये इस तरीके से गुरुजी ने कृपा करी। फिर उसके बाद गुरुजी ने बैसाखी पर हमें बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन उससे पहले मैं गुरुजी के सामने, मेरे को कभी भी माइक नहीं मिला था और सिर्फ हम नीचे बैठ के ऐसे गुरुजी के पास बैठ के गाते थे बाजा लेके हम दोनों हस्बैंड वाइफ। और उस दिन मेरे को माइक मिला तो गुरुजी ने मेरे को बोला लता का गाना सुना कोई उल्ट जा। मैंने लग जा गले सुना दिया और एक वो गाया था कोठे थे आ माइया टप्पे। तो जब माइक पर आवाज गई दूर दूर तक गूंजी तो सबने तालियां बजाई तो गुरुजी बड़े खुश हुए। मैंने गुरुजी को पूछा मैं गुरुजी अब कब आऊं, तो गुरुजी कहते जा तेनु ऐसे बात दर्दा नहीं होनी तेनु ब्लेस किता ही। तो मैंने सोचा मैंने तो गुरुजी को बताया ही नहीं था कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे को अर्थराइटिस स्टार्ट हो गया, माइग्रेन है, और मैंने कभी गुरुजी को नहीं बताया कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती थी। तो फिर मेरे को लगा कि गुरुजी को कैसे मालूम चल गया कि मेरे को दर्दें होती हैं पेन होती हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी वहाँ पे एसी हाई होता था सर्दियों में, और मेरे को शॉल में भी इतनी शिवरिंग होती थी और पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से गुरुजी ने मेरे को ये बोला उस दिन के बाद से मुझे कभी भी कोई पेन नहीं हुई। और मेरे को लगता था कि शायद उस समय यकीन नहीं हुआ था कि भी गुरुजी के सिर्फ कह देने से ये पेन थोड़ा चली जाएंगी। मैं सोचती थी मैं राजमा खा रही हूँ शायद मेरे को दोबारा दर्द हो जाएगी, मैं एसी में जा रही हूँ मेरे को दर्द हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी वो पेन दोबारा नहीं हुई। तो ऐसी गुरुजी ने कृपा करी, बहुत मेहर बरसाई। और फिर उसके बाद गुरुजी ने ना एक दिन अंकल को बोला कि आप ना नया बाजा लेकर आओ और बाल छोटे करा के आना। अंकल के ना बाल बहुत बड़े बड़े होते थे जैसे जाकिर हुसैन के हैं, वैसे करली हेयर्स बड़े बड़े आपने वीडियो में भी देखे होंगे। तो वो अंकल का हेयर स्टाइल था और अंकल उसमें बड़े खुश रहते थे लेकिन मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। मैं जब भी उनके साथ कहीं भी जाती थी तो लोग पास से गुजरते समय ये बोलते थे वाह ताज वाह ताज। तो मुझे लगता था कि इनकी अपनी पहचान क्या है, इनकी अपनी पहचान भी तो कुछ होनी चाहिए। मासूम ठाकुर लगना चाहिए, वाह ताज नहीं लगना चाहिए। तो ये मेरी सोच थी लेकिन मैं इनको कभी कहा नहीं कि अपना हेयर स्टाइल चेंज करो या कुछ। जैसे गुरुजी ने इनको बोला तो इनको लगा कि शायद मैंने गुरुजी को बोला, तो कहते तूने गुरुजी को बोला होगा कि भी बाल कटवाने के लिए। मैंने कहा मैं तो आपके साथ जाती हूँ, आपके साथ आती हूँ, ना मेरे पास गुरुजी का कोई फोन नंबर है ना कुछ है, तो मैं कब गुरुजी को बोलूंगी कि भी इनके बाल कटवा दो। तो कहते कि ना चलो बाल तो मैं कटवा दूंगा लेकिन बाजा कैसे आएगा, बाजा जो हमें चाहिए होता है वो 40-45 हजार से कम का आएगा नहीं, और गुरुजी को शायद पता है कि नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है 3-4 महीने से। मार्च का महीना था, बच्चों की न्यू एडमिशन थी, क्लासेस न्यू थी, ड्रेसेस बुक्स, तो और काम 3 महीने से हम लोग खाली बैठे हुए थे। तो मैंने इनको बोला कि भी आप बाल कटवा लो, बाजे का फिर देखेंगे। बाल कटवा के आए, शीशे के आगे खड़े हुए और खूब मेरे पे गुस्सा हुए। उसके बाद मैंने कहा चलो गुरुजी के पास चलेंगे, जब गुरुजी से बात हो जाएगी तो फिर हम कह देंगे कि दोबारा इसको ग्रो कर लो हेयर्स को। तो जैसे ही हम वहाँ एम्पायर स्टेट पहुंचे तो बाहर संगत मिली और उन्होंने अंकल को बोला कि अंकल आप तो 10 ईयर्स यंग लग रहे हो। तो अंकल को थोड़ा अच्छा लगा। फिर अंदर गए तो गुरुजी ने देखा, सारी संगत ने देखा, तो गुरुजी ने ऐसे इनको देखा और फिर मेरी तरफ देख के कहने लगे गुरुजी आंटी तेरा बंदा बनाता जेंटलमैन, इस तो पहले डंगर थी। तो सारे हंसने लगे, सारी जितनी संगत बैठी थी। तो अंकल को अच्छा लगा कि भी गुरुजी खुश हो गए हैं और ये हेयर स्टाइल मेरे पर सूट कर रहा है।
और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने वो हेयर स्टाइल चेंज नहीं करा। आज जब भी कभी वो बाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको खुद अटपटा लगता है और जल्दी से जाके उसको कट करा के आते हैं। तो ये गुरुजी का ही वो था कि भी नीतो अंकल कभी भी इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते, नीतो बाल दोबारा बढ़ा लेते। फिर गुरुजी ने पूछा कि भी नवा बाजा नहीं लाए, तो हमने कहा गुरुजी हमारे पास काम नहीं है, वो आंधा रहेगा काम बथेरा, तुम नया बाजा लेकर आओ। तो बाजा लाने की हिम्मत ही नहीं हुई हमारे पास। फिर दोबारा गए, गुरुजी ने फिर कहा कि नवा बाजा नहीं लाया, हमने कहा नहीं गुरुजी नहीं आया। फिर गुरुजी कहते कि नवा बाजा तीसरी बार। फिर गुरुजी ने मेरे को डांटा, गुरुजी ने जैसे कहते ना कि भी अपनी लड़की को बोलते हैं बहू को कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे गुरुजी ने मेरे को डांटा। गुरुजी कहते इन्हू समझा दें कि गुरु कोई तीन बार बात बोलता है वो करनी हुक्म होता है। तो फिर मैंने नूतन को फोन करके बताया कि नूतन आंटी ऐसे गुरुजी बार बार नए बाजे की जिद कर रहे हैं, तो क्या करना है। वो कहते हैं कि कुछ भी करके नया बाजा लेके आ जाओ, पता नहीं क्या है जो गुरुजी को नजर आ रहा है आपको नजर नहीं आ रहा, और आप वो करो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इनको बोला कि हम पुराना बाजा जो देकर नया बाजा ले लेते हैं और इसकी किस्त बांध लेंगे उसको बोल के बाजे वाले को। तो हमने बाजे वाले को फोन किया, उनको बोला भैया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने हमें नया बाजा लाने के लिए बोला है, तो आप हमें हमारा पुराना बाजा ले लो और नया बाजा दे दो। तो उन्होंने बोला आपकी गुरु की आज्ञा हुई है, तो आपका जो नया बाजा है पुराना बाजा जो है वो भी बहुत अच्छा है और वो किसी बच्चे के काम आ जाएगा, और आप उस बाजे को भी रखो और नया बाजा 500 रुपये दे के ले जाओ, फिर देते रहना पैसे, जब गुरुजी की आज्ञा हुई है तो आप बाजा ले जाओ। वो गुरुजी को नहीं जानते थे, लेकिन पता नहीं वो गुरुजी का हुक्म या गुरुजी की लीला से वो बाजा हमारे पास आ गया। अब बाजा आ गया तो कोई ना कोई मेहमान हमारे घर आता था, उसके साथ उसके बच्चे होते थे, परिवार होता था पूरा। तो जब हम बोलते थे कि हम गुरुजी के पास जा रहे हैं तो वो सब तैयार हो जाते थे कि हम भी चलते हैं गुरुजी के पास, कौन गुरु हैं क्या है। तो हम डर जाते थे कि गुरुजी हमें डांटेंगे कि हमारे बच्चे अलाउड नहीं है, और उनके पूरी बच्चे फौज तैयार हो जाती थी कि चलते हैं गुरुजी के पास। तो हम अवॉइड करते थे और हम उनको बोलते थे कि आज गुरुजी नहीं बैठे हैं, ऐसे झूठ बोल देते थे। तो क्योंकि बच्चे उनके बहुत शैतान थे और वो जाते तो गुरुजी बहुत डिस्टर्ब होते, तो हम इसलिए अवॉइड कर रहे थे। करते करते क्या हुआ, 24 मई 25 मई 26 मई हो गई, 27 मई को मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने कहा इतने दिन से बाजा आया हुआ है और हम गुरुजी के पास जा ही नहीं पा रहे हैं, तो मैंने अंकल के ऊपर ना गुस्सा किया। मैंने कहा आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि गुरुजी के पास चलो, आज आप किसी तरीके से ये बाजा गुरुजी के पास पहुंचा दो, पता नहीं मेरा मन बहुत वो हो रहा है। और मैंने आपसे कह रही हूं कि आज के बाद ना आप बोलोगे कि एम्पायर चलना है तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे से वो शब्द निकलवा दिए। तो अंकल कहने लगे ठीक है कुछ भी मैनेज करके आज चलेंगे। शाम को हम पहुंचे गुरुजी के पास, तो उस दिन गुरुजी बहुत थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ अजीब से मूड में थे, और उन्होंने जो जो बातें करी उस समय के लिए वो आज सारी सिद्ध हो रही हैं कि समय खराब आ रहा है, और गुरुजी ने बोला कि हुन मटूर जाना है और सबको यहाँ पर इस दरबार में मिलेगा, लेकिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करोगे, किसी का एक दिन में कल्याण है, किसी का 2 दिन में, किसी का 2 साल में, किसी को 20 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने उस दिन बातें करी। तो मेरे को लगा कि आज गुरुजी का मूड ठीक नहीं है, तो शायद बाजा ब्लेस नहीं होगा, और गुरुजी अगर आप पंजाब चले जाओगे तो मैं कैसे आपसे मिलने आऊंगी, मैं तो यहाँ बड़ी मुश्किल से आ पाती हूँ, 100 जंजाल हैं जिंदगी के, तो बड़ा मुश्किल है कि आप पंजाब चले जाओगे तो मैं कैसे इतनी दूर आऊंगी। मेरे मन में ये था कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे, गुरुजी का बर्थ पंजाब का है, तो शायद गुरुजी पंजाब जाने की बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने एकदम से उठे, कुर्ते का बटन ऐसे किया और अपने रूम में चले गए, और उठ के एकदम से बोले नवा बाजा ले आए। हमने कहा हाँ जी। तो गुरुजी कहते तानू का भी टेंशन हैगी, तानू तो ब्लेस करके जाना है। तो अंकल जल्दी से भागे, बाजा लेकर आए नया वाला, और गुरुजी अंदर गए, चोला चेंज करके बाहर आ गए और नीचे बैठ गए कारपेट पे। बाकी संगत जो थी जिनको गुरुजी ने रोका हुआ था वो भी बैठ गए। उसके बाद अंकल ने एक गाना सुनाया पंजाबी, और मैं भी पंजाबी गाना तैयार करके ले गई थी। तो मैंने वो सुनाने की कोशिश करने ही लगी थी कि इतने में एक अंकल बोले कि गुरुजी कह रहे हैं कि आप वो गाना सुनाओ जो आपने बड़े मंदिर में बैसाखी के दिन सुनाया था।
अब मुझे थोड़ा टाइम लगा सोचने में कि मैंने उस दिन कौन सा गाना सुनाया था, तो मुझे याद आया कि मैंने टप्पे सुनाए थे और लग जा गले सुनाया था। तो फिर मैंने लग जा गले गुरुजी को सुनाया। जब मैं लग जा गले सुना रही थी तो उस समय मेरी गुरुजी से दो बार आंख मिली। मैं गुरुजी की तरफ गाते समय नहीं देख पाती थी क्योंकि उनका ऑरा, उनके जो मेरे गाने पे कैसे रिएक्शन हो रहे होंगे वो मैं सब देखना नहीं चाहती थी कि गुरुजी मतलब शर्म थी या क्या सोच लीजिए कि मतलब जरूरत नहीं हो पाती थी कि मैं गुरुजी की तरफ उस समय देख पाऊँ। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि दो बार मैंने गुरुजी को ऐसे देख लिया, नहीं तो मैं आंखें झुका के आंखें बंद करके गाती थी। दो बार जब मैंने गुरुजी की तरफ ऐसे देखा तो मुझे ये लगा कि जो ये मैं गाना गा रही हूँ शायद गुरुजी को पता चल गया है कि मैंने आज अंकल को ये बोला है कि मैं आज के बाद एम्पायर स्टेट नहीं जाऊंगी, अगर आप लेके जाओगे तो जाऊंगी, तो शायद ये गाना गुरुजी मेरे से इसलिए तो नहीं सुन रहे या गुरुजी पंजाब जा रहे हैं तो मैं गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगी। तो मेरे रोंगटे से खड़े होने लगे, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। लेकिन मेरी सोच जो थी वो उस सोच तक जा ही नहीं सकती थी कि क्या होने वाला है और अगले पल क्या होगा, कुछ पता नहीं था। और गुरुजी ने उस बाजे पे हाथ फेरा और फिर गुरुजी कहने लगे ये चिट्टा नहीं बनवाया। हमने कहा गुरुजी इतनी जल्दी में ब्राउन कलर ही मिल सकता था, वाइट नहीं, चंगा नूना वाइट करा लें। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा गुरुजी बाजा ब्लेस करना था, गुरुजी कहते फिर हो गया। तो हमने सोचा गुरुजी इस पर मंत्र करेंगे, कुछ जल वल छिड़केंगे जैसे और होता था। हमें क्या पता था कि गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की दृष्टि मात्र से, उनकी निगाह कर्म से ही ये मतलब सब कुछ ब्लेस हो जाता है, समझ नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा हुन ऐसे करा और फिर हमें आज्ञा दी, हम आ गए घर। तीन दिन बाद गुरुजी ने मां समाधि ली, तब समझ में आई कि गुरुजी ने वो लग जा गले क्यों सुना उस दिन। और बहुत रोए बहुत रोए, मैं डिप्रेशन में चली गई और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ छिन गया है। और मतलब एक वो जो प्यार थोड़े से समय में गुरुजी ने दिया था उसकी कल्पना छिनने से जो मतलब आप समझ सकते हो कि विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे कि भी ये सब हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो एक सपना सा लग रहा था कि गुरुजी ने कोई बैड ड्रीम दिखा दिया हम सबको। और जब ये न्यूज़ आई तो मैं मतलब बिलीव ही नहीं कर पा रही थी और बड़ी मुश्किल से यकीन हुआ। और उसके बाद फिर बहुत डिप्रेशन भी हुआ, गुरुजी ने बहुत मेरे को रुलाया, सारी संगत को ही रुलाया और बच्चे अंकल सब इतने डिप्रेस हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ लीला होनी शुरू हुई वो मतलब अजीबोगरीब थी। फर्स्ट डे ही जब गुरुजी का संस्कार हुआ और हम अपने फोन वगैरह सब घर छोड़ के चले गए थे, हमने सोचा हमने किससे बात करनी है क्या करना है, फोन बच्चों के पास छोड़ के हम चले गए थे मंदिर। घर आए तो मालूम चला कि कोई बंदा हमें एडवांस दे गया है। अब देखिए कि लीला कैसी होती है गुरुजी की कि हम इतने महीनों से खाली थे, हमारे पास कोई काम नहीं था और गुरुजी के पास हम रात के तीन तीन चार चार बजे हमें गुरुजी छोड़ रहे थे। लेकिन उस दिन का काम और उस दिन का एडवांस आ गया। अब मैंने बच्चों को डांटा, मैंने कहा आपने क्यों ले लिया एडवांस, आपको पता है कि हम कैसे गा सकते हैं इस समय पर। नहीं मम्मा, उन्होंने आप पैसे नहीं थे घर में और उन्होंने बोला कि ये एडवांस है और शाम को मम्मी पापा को वहां भेज देना, उनके फोन नहीं मिल रहे थे तो हम इसलिए घर आ गए। बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई कि भी ये कैसे मतलब करेंगे काम। अब सर मिनिस्ट्रो वगैरह को सबको फोन किया, शाम को हम पहुंचे वहां पर, ज्यादा दूर भी नहीं था, घर के पास ही फंक्शन था। तो वहां पहुंचे तो अजीब सा माहौल था, म्यूजिशियन पूछने लगे क्या हो गया आपको, क्या मतलब ये कैसे मतलब ये लग रहे हो आप लोग। तो मैंने उनको बोला कि भी हमारे गुरुजी नहीं रहे हैं तो भी हम कैसे गाएंगे आज और ये एडवांस बच्चों ने ले लिया है। तो उन्होंने बोला कि भी कोई नहीं, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, 5-10 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठो। तो उधर से पार्टी वाले लोग आए, उन्होंने बोला कि भी आप सिंगर्स हैं, आपको ना हमने अपनी रिक्वेस्ट लिस्ट भेज रहे हैं तो ये आपने गाना है। अब पहला ही गाना कौन सा उन्होंने हमें दिया, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। और सारे सैड सॉन्ग जो गुरुजी सुनते थे मेरे से
और वही सारे सॉन्ग मेरे से सुने, लग जा गले भी और सब भी। और इधर मैं रो स्टेज पे, उधर वो पार्टी के लोग रोए जिनके घर में खुशी का फंक्शन था। और मतलब गुरुजी ने एक तरह से मेरी रोजी भी भेज दी मेरे को और मेरे को रुलाया अभी स्टेज पर। ये ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और उसके बाद फिर मतलब गुरुजी ने बहुत सारी लीलाएं करी। मतलब मैं विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि गुरुजी चले गए हैं, तो मैं अपने आप को अपने आप से एक लड़ाई लड़ रही थी। और गुरुजी का एक स्वरूप था मेरे पास, वो हमने रखा हुआ था अपने ड्राइंग रूम में, और उसके आगे बैठ के हम 41 डेज मेडिटेशन करते थे। तब हमारे पास कोई शब्द सीडीज ये सब नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि बड़े मंदिर जाते थे, वहां पर सुखमनी साहब का पाठ होता था डेली, तो वहां जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं बाथरूम में फिसल गई और मेरे को लगा कि मैं आज मंदिर नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने अंकल को बोला कि भी आप लोगों ने जाना है बड़े मंदिर तो चले जाना, मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं बैठ भी नहीं पाऊंगी, मेरे टांग में लग गई है। फिर उन्होंने बोला जब तू नहीं जाएगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि फिर हम शाम को ना कड़ा प्रसाद बनाएंगे गुरु जी के लिए और घर में ही भोग लगाएंगे उनको, और कुछ वो सीडी वगैरह नहीं है, चलो पीटीसी पंजाबी में शब्द लगाते हैं। तो मैं शब्द लगा के गुरु जी के सामने बैठ गई और ये सब लोग वॉक करने चले गए, बच्चे खेलने चले गए और अंकल वॉक करने चले गए। जब ये लोग आए वापस तो ये कहने लगे मेरे से कि तूने कड़ा प्रसाद बनाया है। मैंने कहा नहीं। तो कहते खुशबू तो आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, किसी और ने बनाया होगा मोहल्ले में। तो उसके बाद फिर बच्चे आए, मम्मा कड़ा प्रसाद बनाया आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। तो एक्चुअली गुरु जी मुझे याद दिला रहे थे कि तूने कड़ा प्रसाद का भोग बोला था सुबह लेकिन बनाया नहीं। तो ये बच्चे कहने लगे नीचे तो सुबह जब हम आए हैं सीढ़ियों में तो वहां पर एग्स की या बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, ये हमारे घर में जहाँ पर आप बैठे हो गुरुजी के सामने वहीं पर आ रही है हलवे का खुशबू। तो मुझे एकदम से याद आया, हमने जल्दी से हलवा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद, और गुरुजी को भोग लगाया। तो समझ आने लगी कि गुरुजी किस तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं और एक तरीके से हमें कोई कोई डायरेक्शन दे रहे हैं। फिर एक दिन क्या था कि मैं गुरुजी के पास बैठ के बहुत ही रो रही थी, बहुत ही रो रही थी, और मुझे लग रहा था कि मतलब गुरुजी मतलब ये एकदम से अचानक कैसे हो गया, कुछ तो आप हिंट देते, कुछ हमें वो करते। तो जब मैं रो रही थी तो बीच वाला मेरा बेटा है उसने मेरे को बताया, मम्मा आप देखो कितना रो रहे हो, गुरुजी को परेशान कर रहे हो। तो मैंने कहा फिर क्या करूं बेटा, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो उसने कहा कि देखो आप कैलेंडर में देखो, वो गुरुजी ने अपने हाथ से ब्लेसिंग ऑलवेज का कैलेंडर दे रखा था, उसको तब हमने फ्रेम नहीं कराया था तो वो लगा हुआ था ड्राइंग रूम में, उसमें से गुरुजी के आंख में से ड्रॉप आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने कहा तूने तो नहीं लगा दिया कि मेरे को चुप कराने के लिए? कहता नहीं नहीं देखो। तो उसने ऐसे यहां से गुरुजी की आई साफ करी, वहां से ड्रॉप गुरुजी के फिर और आने लगे। तो इस तरीके से मेरे को लगा कि गुरुजी मेरा रोते हुए नहीं देख पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद भी रोना शुरू करा है, तो मैं चुप हो गई। थोड़ी देर में देखती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप में यहाँ पर ऐसे पल्स जो है वो चलने लग गई है। तो मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी की पल्स चल रही है। तो मैंने राणा को बोला, मैंने कहा राणा देखियो जरा ये इसमें गुरुजी की पल्स तेरे को भी चलती हुई दिखाई दे रही है? कहता हाँ मम्मा ये तो पल्स चल रही है गुरुजी की, इसका मतलब गुरुजी है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी है। तो फिर हमने कहा ये हम किसी को शेयर करें कि नहीं करें? तो उसने बोला नहीं मम्मा चुप रहो, सब लोग पहले ही आपको पागल पागल बोलते रहते हैं तो रहने दो, किसी को मत बताओ। अगले दिन हम लोग मंदिर गए तो वहां मालूम चला कि भी सेम टाइम पर किसी और आंटी को भी सेम फीलिंग हुई कि गुरुजी की स्वरूप में वो पल्स चल रही है। तब तो हम पिक्की बोलते थे, स्वरूप अब बोलना शुरू करा हम लोगों ने क्योंकि समझ नहीं थी, और इतना हमने गुरुजी को भोलेपन से चाहा, कोई इतनी बनावटी पना नहीं था। तो हमने गुरुजी के उस पिक में जैसे देखा वैसे वो आंटी ने भी मेरे को ये सेम बताया कि भी आंटी ऐसे सुनो कल रात को कल शाम को ऐसे ऐसे गुरुजी की स्वरूप में ना ये एक पल्स चल रही थी। तो मैंने कहा हाँ आंटी मैंने भी सेम नोटिस करा, और मेरे बेटे ने कहा थी मेरे बेटे ने और मैं ही थे घर पे तब। और इस तरीके से गुरुजी ने प्रूव करना शुरू करा हमें कि मतलब हम लोग इतना रो रहे हैं और गुरुजी को ये सोच रहे हैं कि गुरुजी चले गए हैं लेकिन गुरुजी हैं, और ये गुरुजी ने हमें प्रेजेंस महसूस करानी शुरू करी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात के दो दो तीन तीन बजे मैं उठ जाती, मुझे नींद नहीं आती। तो अंकल को लगा कि शायद ये अभी डिप्रेशन में है तो इसलिए इसको नींद का ऐसा हो रहा है। तो मेरे को लगता था कि ऐसे कोई वॉशरूम में गया है, कोई आया है मेरे बेड पे बैठे हैं,
फिर मेरे को फ्रेगनेंस लगता था कि गुरुजी हैं, तो मैं अंकल को बोलती थी कि गुरुजी आए हैं, देखो बेड पे बैठे हैं, गद्दा देखो नीचे हो गया है, अभी देखो वॉशरूम गए हैं, दरवाजा खुला है अपने आप। अंकल कहते तू पागल हो गई है, तेरे को ये सब हो गया है, तू इतना क्यों डीप चली जाती है किसी भी चीज में। मैंने कहा आपको नहीं महसूस हो रहा तो मैं क्या करूं, लेकिन गुरुजी हैं यहाँ पर। तो किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैं गुरुजी को ये बोलती थी कि गुरुजी प्लीज सबको दर्शन दो, सबको बताओ कि आप यहीं पर हो, आप कहीं नहीं गए हो। और धीरे 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 गुरुजी ने मेरे को उस डिप्रेशन में से निकाला, जो गुरुजी का मेरे को वियोग हो रहा था। तो इस तरीके से गुरुजी ने कृपा बरसाई। और एक दिन क्या हुआ कि हम आरडी सिटी से अपना घर छोड़कर दूसरे घर पर आ गए थे, तो वहां पर ये हो रहा था कि मुझे कोई लेडी बैठी हुई दिखाई दी सोफे पर रात को। तो मैंने इनको बोला कि वो गुरुजी नहीं थे, कोई और थी, और गुरुजी होते तो मुझे उनसे भय नहीं लगता, गुरुजी जब मुझे दिखते हैं तो मेरे को भय नहीं लगता, वो कोई और थी। ये मुझे कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है तेरे को, मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ हो गया है, तू तो अपना कुछ ट्रीटमेंट करा, कुछ ये कर वो कर। मैंने कहा नहीं, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, गुरुजी हैं। तो उस दिन शाम को अगले दिन हम लोग गए एक सत्संग में, वहां पर ऐसा ही सत्संग हुआ कुछ, उसमें उन्होंने बताया कि आप शिव पुराण पढ़ो। और उस आंटी को भी ऐसे ही कोई लेडी दिखती थी, तो वो शिव पुराण पढ़ने से ठीक हो गया। तो मैंने सोचा शिव पुराण कहाँ से मिलेगी, तो मैं नेक्स्ट डे मंदिर में सेवा थी मेरी, तो मैं वहां गई, तो गेस्ट रूम में ना एक लाल से कपड़े में ढकी हुई कोई किताब पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ये क्या है, मैं सारा दिन उसको देखती रही कि इसमें क्या पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा। मेरे को लगा शायद पता नहीं क्या चीज है कोई जो इतनी लाल कपड़े से सुंदर तरीके से सजा के रखी हुई है। तो जब मैं शाम को जाने लगी तो सिंगला आंटी ने मुझे बोला, आंटी ये आपके लिए मैंने मंगाई है। तो मैंने कहा ये क्या है आंटी, तो आंटी कहने लगी शिव पुराण है। अब देखिए मैंने किसी से कहा नहीं कि मुझे शिव पुराण चाहिए, मैंने किसी को बोला नहीं कि मुझे शिव पुराण चाहिए, मेरे मन में था कि शिव पुराण कहाँ से मिलेगी, और वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर से सिंगला आंटी के हाथ से मिली। उनके मन में गुरुजी ने डाला कि भी ये सदा आंटी को चाहिए या देनी है, मतलब वो लीला गुरुजी करते हैं। इसलिए कहते हैं गुरुजी कि मांगो नहीं सिर्फ मानो। तो मन ही मन में मैंने सोचा शिव पुराण के लिए, और शिव पुराण मुझे बड़े मंदिर से मिली। वो लाके हमने शिव पुराण पढ़ी बच्चों के साथ, और उस दिन के बाद से मुझे वो लेडी उसमें घर में नहीं दिखाई दी। बाद में मेरे को मालूम चला कि वो जो मकान मालकिन जो थी वो आई मेरे घर पर, तो उनके मुंह से निकल गया कि जब ये मकान बन रहा था तो मेरी मम्मी यहाँ पर मेरे को दिखाई दी। तो मैंने उनको बोला कि मम्मी आपकी क्यों दिखाई दी, मम्मी आ रहती नहीं थी क्या? कहती नहीं, मेरी मम्मी की डेथ तो काफी दिन पहले हो गई थी और वो मेरे को यहाँ बालकनी में दिखाई दी थी। तो तब मैं समझ गई, फिर मैंने अंकल को बताया, मैंने कहा देखो आप कह रहे थे ना कि कोई नहीं है, तो उसकी मम्मी उसको दिखाई देती थी, तो वो भी मेरे को दिखाई दी है, और शिव पुराण पढ़ने के बाद से वो नहीं दिखाई दी। तो इस तरीके से गुरुजी किस किस चीज का कैसे कैसे कल्याण करते थे। उन आंटी का जो थी वहां पर शिव पुराण पढ़ने से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ जो भी हुआ, और मैं उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहती हूँ। और इस तरीके से गुरुजी ने उनका कल्याण किया। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग हैं महा समाधि के बाद, जो गुरुजी ने हमें हर पल ही महसूस कराया कि मैं तुम सब लोगों के साथ हूँ, और आज भी गुरुजी साथ हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी है, बस ये है कि हमें थोड़ा सब्र रखना है, धीरज रखना है जैसा समय चल रहा है, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं आज भी कि समय बड़ा माड़ा आने वाला है, और वो समय माड़ा, इससे माड़ा क्या आएगा? आप देख ही रहे हो कि बंदा बंदे से नहीं मिल रहा है, और सब चीजें बंद हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद। तो सिर्फ जो गुरुजी ने कहा था ना कि मेरा तुम्हारे साथ कनेक्शन एक, वो कनेक्शन जोड़ने का टाइम है। वो गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ो और पल पल उनके पर विश्वास रखो। सत्संग बहुत सारे हैं, खजाना है मेरे पास, और बहुत सारे सत्संग जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में जब थे तब के भी रह जाते हैं, क्योंकि जो याद आता है वो ही हम सुना पाते हैं, या जो गुरुजी ने सुनाना है इस समय वो हम बोल पाते हैं। और इस तरीके से गुरुजी की जर्नी जो है, आप लोगों की भी गुरुजी के साथ बहुत सारे सत्संग हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सारे सत्संग लिखूं और एक बुक में इसको कन्वर्ट करूं। गुरुजी कहते भी थे कि आप सबके साथ जो भी सत्संग होते हैं वो आप लिख के रखा करो, क्योंकि याद नहीं रहते हैं हमें, क्योंकि हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं, इंसान हैं, कृपाएं भूल जाते हैं गुरु की,
लेकिन वो भूलनी नहीं है, उनको याद रखना है, उनको शेयर करना है, कल्याण करना है। गुरु जी ने इन्हीं सत्संगों को सुन सुन के, लेकिन हाँ भ्रमित मत करो किसी को अपने ऐसे सत्संग सुना के कि संगत कंफ्यूज हो जाए, या प्रवचन देने तरह तरह के वो मत करो। मंत्र जाप के बारे में आपकी बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे पास, मेरा इनबॉक्स भरा रहता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हैं कि मंत्र जाप ये सही है कि नहीं है। एक बात याद रखो कि मंत्र कोई भी हो, अगर आपने उसको मन से किया है, आप वाल्मीकि जी का उदाहरण देखिए, उनको राम राम मंत्र दिया गया था लेकिन वो डाकू थे, उनको नहीं याद रहा, उन्होंने मरा मरा किया लेकिन वो भी सिद्ध हुआ और वो डाकू से एक कितने बड़े सन्यासी बन गए और उनका जगत में इतिहास में नाम लिखा गया। तो ऐसे ही हमें गुरुजी ने मंत्र जाप दिया है, उसे करें, शब्द सुने और इसको सिद्ध करें, मन से करें। 5 मिनट जो भी आपको संगत से पता चलता है उसके बारे में भ्रमित मत होए, जो अच्छा आपको लगता है वो आप करते चले जाएं। ये नहीं कि फलानी आंटी ने आपको ये बोल दिया, सदा आंटी ने वो बोल दिया तो आप ये करें, उसमें से जो अच्छा लगता है आपको वो ले लें और जिसमें आपको कंफ्यूजन लगे उस चीज को छोड़ दें। अपने हमेशा मन को पॉजिटिव रखें। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, आती रहेंगी, क्योंकि जिंदगी एक सरल चीज नहीं है, वो एक जिगजैग है, उसमें से हमें निकलना ही पड़ेगा। कई बार लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, अपने फर्ज पूरे करने हैं, अपनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करना है। तो गुरु जी तभी खुश होते हैं जब, गुरु जी कहते भी थे कि अंकल आंटी का, आंटी अंकल का, और फिर वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उस परिवार पर मैं अपनी पूरी कृपा बरसाता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग भी चलें और सबका ध्यान रखें, अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु जी का नाम जपते रहें और एक घर में अच्छा सा माहौल बना के रखें। गुरु जी की कृपा आप सब पर बहुत बहुत बरसती रहे। थैंक यू सो मच। गुरु जी का भी शुक्राना गुरु जी का कि मुझे सत्संग करने का मौका मिला। आप सब पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स बनी रहें गुरु जी की, और आपका श्रद्धा विश्वास बना रहे, और ये बुरा दौर बुरा समय जो है वो आप अपने घर परिवार में रह के सही से प्यार से मोहब्बत से और गुरु जी की कृपा से खुशी खुशी लांग जाए। जय गुरु जी।